नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चरणचार जागेंद्र मिश्रा में शुक्रवार के दिन इलायची और लौंग इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे दोस्तों आज हम बात करेंगे लौंग और इलायची की लौंग जो तंत्र क्रियाओं में प्रयोग होता है और इलायची जो माता लक्ष्मी जी को खींचती है आकर्षित करता है उनको बुलाती है तो आज हम आपको खास प्रयोग बताएंगे इलायची और लौंग की वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ये वीडियो पूरी तरह से ज्योतिष पर आधारित है जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो चाहत हमारी छोटी पड़ जाती है और खुशियाँ ज़्यादा मिल जाती है जितना चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा और अगर प्रसन्न ना हो तो फिर घोर दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है कई बार हम छोटे छोटे प्रयोग से माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लेते हैं अपना भाग्योदय खुद ही कर लेते हैं अब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राजयोग लेकर पैदा हुआ है और कोई दुर्योग लेकर हर किसी के कुंडली में राजयोग दुर्योग दोनों ही होते हैं समय को पहचानिए क्योंकि राजयोग आपका चल रहा है आपको पता नहीं है लेकिन आपने देखा होगा कुछ समय ऐसा होता है आप जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से होते हैं इसका मतलब है कि आपका अच्छा वक्त है तो उस समय को पहचान कर आपको खूब मेहनत करनी चाहिए ताकि आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें जब समय गड़बड़ चले तो विपरीत धारा में नहीं जाएं, बल्कि सिंपल तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाने का प्रयास करें दौड़ने की ज़्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे जब समय गड़बड़ हो तब शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, और जब लगे कि सब कुछ ठीक है तो एक बार फिर से प्रयास करें क्योंकि आज हमने टॉपिक रखा है इलायची और लौंग की इलायची जो हर घर में होता है और इलायची के प्रयोग से आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं तो शुक्रवार के दिन खास तौर पर माता लक्ष्मी जी का दिन है और इस दिन जो हरी इलायची और लौंग इसका प्रयोग करने से आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं कुंडली में और शुक्र जब मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को सुख सुविधा देते हैं ऐश्वर्य देते हैं भोग विलासता बढ़ाते हैं यानी आप अच्छे से खाएंगे आप अच्छे से कपड़े पहनेंगे और घूमेंगे फिरेंगे तो शुक्र को बेहतर करने के लिए छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं जैसे कि आप एक थोड़ा सा पानी ले लें उसमें इलायची और लौंग डाल दें दो इलायची और दो लौंग इलायची के कुछ दाने डाल दें और उसको थोड़ा सा गर्म कर लें इसके बाद इस पानी को नहाने के पानी में डालकर नहाएं आप चाहें तो गर्म करके उसको किसी शीशी बोतल में रख लें और उसे रोज़ाना नहाने के पानी में दो ढक्कन पानी डालकर नहाइए तो पवित्रता बढ़ेगा और इस पानी से नहाने से भाग भी मजबूत होता है शुक्र बेहतर होता है तो ये थी कुछ सिंपल प्रयोग लेकिन कई बार क्या होता है कि नौकरी शिक्षा में आप तरक्की नहीं कर पाते तब इलायची का और लौंग का एक छोटा सा प्रयोग करें देखिए छोटी इलायची और लौंग अगर आप चाहते कि शिक्षा में खूब सफलता पाएँ तो छोटी इलायची और कुछ मिश्री ले लें और दो लौंग ले लें ले 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 ले, या फिर मिश्री की जगह बता भी आपके पास जो भी है ले लें मीठी वस्तु में अब इलायची के कुछ दाने ले लें यानी कि थोड़ी सी इलायची ले लें दो लौंग ले लें बतासी या फिर मिश्री ले लें अब किसी पीपल के नीचे आप आप रख दें वैसे तो किसी भी दिन रखें लेकिन शुक्रवार के दिन अगर रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और अपनी मनोकामना ज़रूर बोलें पढ़ाई की मनोकामना बोल दें पीछे मुड़कर मत देखिएगा और ये प्रयोग करने से माता लक्ष्मी का स्मरण भी करिएगा शिक्षा में बाधाएँ समाप्त हो जाती है ऐसा प्रयोग करने से वैसे तो जीवन में अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा तो विवाह के लिए भी एक छोटा सा प्रयोग जरूर की कीजिएगा किसी भी शुक्रवार के दिन आप बस थोड़ी सी इलायची लें और थोड़ी सी मीठी वस्तुएं लें दो लौंग लें और सफ़ेद मिठाई एक घी का दीपक लेकर आप किसी पवित्र नदी के किनारे जाएं और यहाँ पर तालाब के किनारे जा, आप जाएं और किसी पत्ते के सहारे नदी के पास इलायची मीठी वस्तुएं और आपने जो रखा है लौंग उस पत्ते पर रख दें और एक दीपक जला दें फिर बहते हुए जल में किसी पत्ते पर डालकर बहा दें आपका शुक्र भी मजबूत होगा और जीवन में शुक्र भी बढ़ेगा और माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी शीघ्र विवाह होंगे या फिर आप किसी अगर बहती हुई नदी नहीं है तो तालाब में रखें तालाब नहीं है तो नदी किसी मंदिर के सीढ़ियों के पास भी आप रख सकते हैं यहाँ भी चलेगा कई बार क्या होता है कि जैसे पतपत्री में प्रेम खो जाता है आपका प्रेम खो गया है लड़ाई दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, पति पत्नी के बीच जमता नहीं है छोटी छोटी बातें तकरार ले लेती है पति पत्नी में तब क्या करेंगे तब आप शुक्रवार के दिन लौंग और इलायची माता लक्ष्मी जी को चरणों के पास अर्पित कीजिएगा और दूसरे दिन इस लौंग और इलायची को दो लौंग दो इलायची अर्पित करें उनमें से एक लौंग एक इलायची पति खा ले और एक लौंग एक इलायची पत्नी खा ले दूसरे दिन खाना ध्यान रखेगा शुक्रवार के दिन से शुरुआत करें यानी कि सुबह के शाम आप पूजा पाठ करते समय चढ़ा दें अगले दिन इसे प्रसाद के रूप में दोनों जन खा लें आपस में जबरदस्त प्रेम बढ़ता है पति पत्नी में जो प्रेम खो गया है वापस चलाता है अब आपको लगता है कि धन संपत्ति ऐश्वर्य में वृद्धि हो माता लक्ष्मी की चारों तरफ से आपके घर में कृपा बरसे इतना धना कि संभाल ना पाए तब क्या करेंगे एक लाल कपड़े में लौंग और इलायची बांध कर माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें और पूजा पाठ करने के बाद ओम महालक्ष्मी देवो नमोनमेश मंत्र का जाप करते हुए इस लौंग और इलायची की पोटली को चुपचाप अपने धन के स्थान पर रख दें इतना धन आएगा इतना धन बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे चारों दिशाओं से धन आएगा धन के स्रोत बढ़ेंगे घर में सुख सुविधाएं बढ़ेंगे गाड़ी वाहन हर प्रकार से लाभ होगा लौंग इलायची का बहुत प्रयोग किया जाता है शुक्रवार के दिन लौंग इलायची जो सभी यानी कि कार्यों में बेहद असरकारक है अगर आपके घर में निगेविटी बढ़ गई है आपको लगता है कि घर में बहुत ज़्यादा किसी की गलत एनर्जी किसी की गलत बुरी नज़र आपके घर में प्रवेश कर गई है तब क्या करेंगे लौंग इलायची ले लें ले और आप एक कपूर ले लें ले और इसको जला लें और जलाने के बाद पूरे घर में इसकी लव दिखाएँ और लव दिखाने के बाद जो राख बच गई है इसको अपने मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा गंगा जल डाल के छिड़काव कर दें तो घर में कभी भी अतृत्व आत्मा या बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं करेंगी और अगर किसी ने किया है तो वापस चली जाएंगे तो लौंग और इलायची का यह अद्भुत प्रयोग है आप जरूर करिएगा लौंग और इलायची माता लक्ष्मी जी को शुक्रवार के दिन जरूर आप अर्पित करिए शुक्रवार के दिन माता ल, लक्ष्मी जी को लौंग इलायची अर्पित करके आप इसे अपने दाहिने हाथ में ले लें और फिर माता लक्ष्मी के चरणों के पास अर्पित कर दें बाद में क्या करें कि सुबह अर्पित करें और शाम को इस लौंग इलायची को उठाकर अपने धन के स्थान पर तिजोरी के स्थान पर खजाने के स्थान पर रख दें इतना धन बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे धन की बारिश होगी धन कभी खत्म ही नहीं होगा तो दोस्तों लौंग इलायची का प्रयोग जरूर करिएगा दोस्तों वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जय महालक्ष